फर्जी अस्पतालों की वजह से हो रही मरीजों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी श्रृंखला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई है। अब स्वास्थ्य विभाग 8 अस्पतालों पर मुकदमे की तैयारी में है, वहीं 5 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही के बाद ताज नगरी आगरा में हॉस्पिटल संचालकों में खलबली मची हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि फर्जी अस्पताल की लापरवाही के चलते लगातार मरीजों की हो रही मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ताज नगरी आगरा में हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कई टीमों का गठन किया है। ये टीम लगातार ताज नगरी आगरा में छापेमार कार्यवाही कर रही है। हाल ही में 8 ऐसे अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जिनके खिलाफ जल्द मुकदमे की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने की है। बताया जा रहा है कि इन 8 अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग जल्द मुकदमे दर्ज कराएगा, जिसके लिए जिले के पुलिस कप्तान को स्वास्थ्य विभाग के CMO ने पत्र भी लिख दिया है। आपको बताते चलें कि ताज नगरी आगरा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने 64 अस्पतालों को सुधार के लिए नोटिस दिया था, जिनकी समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। CMO आगरा का कहना है कि संतोषजनक जवाब न देने वाले हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा अस्पताल संचालकों ने नोटिस का जवाब दे दिया है और सुधार भी किया गया है। अभी जो कुल हम 24 चिकित्सालयों पर कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें कुछ करीब 6 से ज़्यादा अब तक सील हो चुके हैं, बाकी पे नोटिस दी गई है। 8 लोग की नोटिस का जो समय अवधि समाप्त हो गई है, कल या आज या समय नहीं था, कल हम लोग इस पर कार्रवाई करते हुए इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनका कोई भी जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त 64 और जो विभिन्न कमियों के लिए दिए गए हैं उनके जवाब प्रतीक्षारत हैं। करीब 20 का जवाब के आसपास हमें प्राप्त हो गया है, बाकी लोगों को जवाब आ रहा है, उनको हम लोग फिजिकली वेरीफाई करके और उनके विरुद्ध जो भी अगर उनके द्वारा कमियाँ नहीं पूरी की गई है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी जितने भी चिकित्सालय हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि बिना पंजीकरण के बिल्कुल ना चलाएं। अग्निशमन के लिए जो भी पर्याप्त व्यवस्था उनको करनी है अवश्य करके रखें। कुछ चिकित्सालयों में ये जरूर समस्या है कि जो उनका एरिया है, जितने एरिया पे वो बने हैं उनमें जो भवन निर्माण उपविधि 2008 के अनुसार एरिया कम है, उसके लिए हम लोग ADA से बात कर रहे हैं। उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस आधार पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। अब बिल्कुल मांगा जाएगा, क्योंकि जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे AP राकेश कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट में रजिस्ट्रेशन से लेकर संबंधित, उसमें ये निर्देशित भी किया गया था कि हमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय करते हुए इनकी पैरवी करते हुए इनको सजा दिलाने का भी कहा। CMO आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ये कार्यवाही कई चरणों में चल रही है। इसमें झोला छाप डॉक्टर, बिना रजिस्टर्ड अस्पताल एवं मानक पूरे होने वाले अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि आगरा में स्वास्थ्य विभाग की ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। आगरा में फर्जी अस्पताल पान की दुकान की तरह खुले हुए हैं, जिसमें लापरवाही के चलते लगातार मरीजों की मौत हो रही है। तिमारदारों से मोटा पैसा वसूला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यवाही के बाद जहां हॉस्पिटल संचालकों में खलबली मची हुई है, तो वहीं कई हॉस्पिटल संचालक शटर गिराकर भाग गए हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही इस कड़ी कार्यवाही में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल और उनके संचालकों पर क्या असर पड़ता है, या फिर ये कार्यवाही महज एक कागजी कार्यवाही बनकर रह जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।